हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच चुके हैं द मोटर हाउस हमारी बाइक की सर्विस करवाने। मैं आपको बता दूं, मैं होंडा हॉर्नेट को पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूं। तो आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज हैं या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहां पर जो होंडा हॉर्नेट में ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, हम उनके ब्रेक शू चेंज करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने आस्क ऑटोमोबाइल के ब्रेक शू लिए हैं। इस प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि आप अपनी बाइक के ब्रेक शू कब चेंज करवाएं। ब्रेक लगाने पर अगर आपकी गाड़ी के ड्रम में से एक विसल का साउंड आता है तो समझ जाइए कि आपको अपने ब्रेक शू चेंज करवाने हैं। विसल साउंड गाड़ी के ड्रम में पानी जाने से भी आता है, तो एक बार कन्फर्म कर लें कि पानी गया है या ब्रेक शू ही ख़राब हो गए हैं। यहाँ पर बाइक का जो टायर है वो ओपन करके रखा गया है और आप सामने देख सकते हैं, ये है ब्रेक ड्रम। अभी जो ब्रेक ड्रम के अंदर लाइनिंग रहती है, इसके ऊपर ही जो ब्रेक शू रहता है वो घिसता है। यहाँ पर हम एक रफ़ पेपर की मदद से ब्रेक ड्रम की लाइनिंग को साफ़ कर रहे हैं, जिससे कि इसमें जो भी डस्ट होगी वो सब निकल जाएगी और ड्रम सरफेस एकदम क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रियर टायर को उसकी असेंबली में वापस फिक्स करने जा रहे हैं। होंडा हॉर्नेट में रियर टायर को ओपन करने के लिए चेन का लॉक नट ओपन करना रहता है, यानी जब चेन ओपन होगी तब ही रियर टायर बाहर आएगा। उसके बाद ब्रेक बोल्ट्स को ओपन करना रहता है। ब्रेक बोल्ट्स ओपन हो जाने के बाद फिर बाइक टायर के बीच में से जो है एक्सल, उसको बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सल को वापस अंदर किया जा रहा है। इसको जेंटली आप रबर हैमर की मदद से अंदर कर सकते हैं। एक्सल लग जाने के बाद चेन को वापस स्प्रॉकेट पे चढ़ाया जाता है और उसके बाद चेन क्लीन की जाती है। होंडा हॉर्नेट की चेन कैसे क्लीन करें, इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली मैं होंडा हॉर्नेट में चेन को क्लीन और ल्यूब्रिकेट करने के लिए वुर्थ का चेन स्प्रे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर टायर लग चुका है और चेन का लॉक नट लगाया जा रहा है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहिए द थ्रॉटल कस्टम्स के साथ। थैंक यू।